प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? किसी चिकनी चमकीली सतह से प्रकाश की किरणें के टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखे। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं, अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही दल में होता है। अपतन कोण, प्रवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा बताइए। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार भीम का आकार का बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने प्रतिबिंब रखा होता है। प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी प्रेस करें। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यानी कि एक माध्यम गया, इंसिडेंट किया, उसके बाद रिफ्लेक्ट किया, उसी प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।